हेलो स्टूडेंट्स, होप ऑल यू आर फाइन। सो टुडे वी विल डिस्कस, इससे पहले हमने 11.2 की इंट्रोडक्शन भेजी थी आपको एक घंटे की लगभग, तो अगर आपने वो देखी है तो 11.2 आपके लिए बहुत आसान होगी, है ना। आप खुद भी कर सकते हो 11.2 को। अगर आपने वो इंट्रोडक्शन नहीं देखी तो आप वो जरूर देखिए पहले, क्योंकि इसमें मैं सब साथ साथ बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको वीडियो जरूर देखनी चाहिए, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 11.2। 11.2 में सबसे पहले क्या गिवन है, यहाँ पे देखिए, शो डैट द थ्री लाइन्स विद द डायरेक्शन कोसाइंस। तीन लाइन्स हैं, एक लाइन मान लो जी, दिस इज अ लाइन पी, दिस इज लाइन पी, ठीक है। ये लाइन क्या है, पी के डायरेक्शन कोसाइंस है, दीज आर द, दिस इज अ लाइन पी, यहां पे लाइन ये क्या है पी, सपोज दिस इज व्हाट क्यू, दिस इज लाइन यू कैन से दैट एस, पी क्यू एंड एस लाइन्स है, और ये क्या है, इसके डायरेक्शन कोसाइंस हैं, डायरेक्शन रेशो नहीं है, डायरेक्शन कोसाइंस है। आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब, म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर है। अब मैंने आपको बताया था इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर तो क्या होता है उनकी डायरेक्शन रेशियो, मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया हुआ है, ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू इज इक्वल टू क्या होता है, जीरो। साथ में ये भी आप समझ लीजिए, अगर डायरेक्शन रेशियोज हैं, डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस का आपस में क्या होता है, रिलेशन होता है, ठीक है। तो आप यहां पे अगर एल वन आ जाए ना, एल वन एल टू प्लस एम वन एम टू प्लस एन वन एन टू, दिस विल बी ऑल्सो इक्वल टू जीरो होता है, ये बात आपको आनी चाहिए ना। इसका मतलब क्या है, ये एल है, ठीक है ना, मतलब ये एल एम एंड एन है P के, L M एंड N, मान लो P और Q मैंने क्या दिखाने हैं, परपेंडिकुलर, तो व्हाट इज दिस L1 M1 N1 L2 M2 N2, क्योंकि डायरेक्शन रेशियो हम क्या लेते हैं, L M एंड N लेते हैं, L M एंड N, तो दिस इज L1 M1 N1 L2 M2 N2। अब ये डायरेक्शन रेशियो नहीं है तो क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस में भी ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। सो नाउ व्हाट इज देयर L1, L1 into L2, L1 into L2, 12 by 13 into 4 by 13 plus M1 minus 3 by 13, 12 by 13, ठीक है, plus N1 minus 4 by 13, ठीक है, into 3 by 13, ठीक है। Now, what will be there? अब इनकी मल्टीप्लीकेशन देखते हैं क्या आता है, 12 4 48 अपॉन 169, ये माइनस आ जाएगा, माइनस 12 3 36 अपॉन 169, 3 4 12 माइनस 12 अपॉन 169, तो अब ये क्या हो जाएगा, 48 माइनस 36 माइनस माइनस प्लस साइन माइनस, सो 48 बाय 169 माइनस 48 बाई 169 इज इक्वल टू क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है। तो इट मीन्स व्हाट इज देयर, दिखाई दे रहा है यहां से, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, इसका मतलब पी और क्यू क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गए, ठीक है। अब देखो आगे नेक्स्ट, ये क्या हो गए, परपेंडिकुलर हो गए, ये तीन लाइंस थी, हमें क्या शो करना है कि तीनों क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो पी और क्यू तो क्या हो गए, परपेंडिकुलर हो गए, पी परपेंडिकुलर क्या आ गया, क्यू आ गया। उसके बाद अब देखो, मान लो ये मैंने हटा दिया यहां से, नाउ अब मैंने क्या देखना, पी परपेंडिकुलर ऑन क्यू हो गया, ठीक है। अब क्यू और एस का देखो, ऐसी बिल्कुल आप ऐसी देखोगे, क्यू परपेंडिकुलर एस, ये 4 इंटू, मैं सीधा कर रहा हूं, 4 इंटू 3 12 अपॉन 169, अब ये एल वन है, ये एम वन है, ये एन वन है, दिस इज एल टू एम टू एन टू, तो एल वन इंटू एल टू हो जाएगा, फिर माइनस 12 4 48 अपॉन 169, फिर 3 12 36, ठीक है, अपॉन 169, फिर ये 12 और 4 क्या आ जाएगा, 48 माइनस 48, मतलब दिस इज इक्वल टू जीरो, ये आ गया। तो इसका मतलब क्यू एंड एस भी क्या हो गए, परपेंडिकुलर हो गए। उसके बाद आप ये देखो, पी एंड एस, पी एंड एस, पी एंड एस, तो फिर देखो इसको कर लो, 12 3 36 अपॉन 169 ही आने वाला है, माइनस 3 माइनस 4 प्लस 12, माइनस 3 इंटू 4 प्लस 12 हो जाएगा 169, फिर माइनस 4 इंटू 12 माइनस 48
ठीक है 169 इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो ही आ जाएगा। तो इसका मतलब ये तीनों आपस में क्या हुए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गए, तीनों साइड क्या होगी म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगी। ठीक है तो यही हमने इसमें करना था ना, ठीक है तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा जी। ठीक है अब देखते हैं इसका सेकंड सम, सेकंड सम देखो, तीनों हमने दिखा दिए ना, तीनों आपस में क्या है परपेंडिकुलर है। ठीक है तो नाउ व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट, देखो सेकंड क्वेश्चन, शो दैट द लाइंस थ्रू द पॉइंट्स, शो दैट द लाइंस थ्रू द पॉइंट्स, सेकंड क्वेश्चन है जिसका 1, -1 2 एंड 3, 4 एंड -2 शो दैट द लाइंस थ्रू दिस, एक ये पॉइंट है एक ये पॉइंट है, मतलब ऐसे है ये पॉइंट, एक ये पॉइंट है एक ये पॉइंट है, लेट अस सपोज ए बी है उसके बाद लाइंस थ्रू द पॉइंट दिस इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट दिस, एक यहां पे पॉइंट क्या है 0, 3, 2 और दूसरा क्या है जी 3, 5, 6 और ये एक लाइन है मान लो सी डी, हमें क्या दिखाना है ए बी परपेंडिकुलर ऑन सी डी, लाइन थ्रू दीज पॉइंट्स एंड लाइन थ्रू दीज पॉइंट्स, मतलब ये दोनों लाइंस आपस में क्या है परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर के लिए वो कंडीशन हमने पढ़ी है क्या है a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 = 0। तो अब क्या कर दो, पहले तो इसके डायरेक्शन रेशियो निकालो, डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं बेटा, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 ये होता है, ये x1 y1 z1 है, ये x2 y2 z2 है। ठीक है तो अब यहाँ पे x2 3 - 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 4 - 1 + 1 हो जाएगा 5 हो जाएगा, फिर -2 - 2 - 2 - 2 - 4 हो जाएगा, इसकी डायरेक्शन रेशियोज ये आ गई, ऐसे इसकी डायरेक्शन रेशियोज निकाल लो तो ये क्या आ जाएगा 3 - 0 - 3 5 - 3 - 2 6 - 2 - 4 ये आ गई। अब इन दोनों का क्या, फिर वही ए वन, ये क्या है ए बी सी होते हैं ना, a1 b1 c1 दिस इज व्हाट a2 b2 c2, ये डायरेक्शन रेशियोज हैं। अब देखो 2 3 का क्या हो जाएगा 6, 5 2 10, 4 4 16 -16 तो ये क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, 10 + 6 = 16 - 16 = 0 सो इट मीन्स दीज टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर। ठीक है ये बहुत अच्छे से मैंने बताया हुआ है आपको उसमें। तो नेक्स्ट देखते हैं आप थर्ड सम, थर्ड देखिए, थर्ड देखो जरा क्या है, शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट्स, बिल्कुल वैसे ही समय से कुछ, शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट्स 4, 7 एंड 8, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट क्या है ये 2, 3, 4 इज पैरेलल टू द लाइन थ्रू द -1 - 2 - 1 - 1 - 2 and 1 and 1 to 5 है ना। अब ये क्या पूछा था उसने, शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट्स दिस दिस इज पैरेलल टू द, देखो अब उसने ये पूछा कि एक लाइन है इनके बीच में, एक पॉइंट ये है एक पॉइंट ये है, ये द लाइन फॉर्म्ड बाय दीज टू पॉइंट्स एंड दीज टू पॉइंट्स, तो वो क्या है आपस में पैरेलल है ना। पैरेलल के सबसे पहले मैं इसकी डायरेक्शन रेशियोज निकालू, इसकी डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन दिस, ठीक है कि ये क्या आ जाएगी 2 - 4 - 2 3 - 7 - 4 4 - 8 - 4। अब इसकी डायरेक्शन रेशियोज क्या है, वही फॉर्मूला यार x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1, तो यहां पे क्या हो जाएगा 1 - 1 2 हो जाएगा, आई थिंक 1 - 1 + 1 हो जाएगा 2 - 2 + 2 - 4 हो जाएगा 5 - 1 - 4 हो जाएगा। अब देखो क्या है, अब क्या बोला था, अगर परपेंडिकुलर हो तो मैंने आपको बोला है a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 = क्या होता है 0, अगर लाइंस क्या है पैरेलल है तो उनकी क्या हो जाएगी a1 / a2 = b1 / b2 = c1 / c2। ये बहुत अच्छे से याद रखना है यार, ये पूरे चैप्टर में चलेगा, ये तो पूरे चैप्टर में है ना। अब ये क्या हो गया a1 b1 c1 a2 b2 c2
ठीक है, अब क्या होगा, ए वन कितना है यहाँ पे माइनस टू अपॉन टू, ठीक है, फिर इज इक्वल टू बी वन, इसकी रेशियो निकाल दो बस आप, देखो सेम है माइनस फोर अपॉन फोर, फिर इज इक्वल टू माइनस फोर बाई फोर, फोर से फोर कैंसिल हो गया माइनस वन वन, फोर माइनस वन यहाँ पे ले दो वन, ये भी वन वन, तो माइनस वन इक्वल टू माइनस वन इक्वल टू माइनस वन आ गई, तो इट मीन्स दीज लाइन आर दिस लाइन थ्रू दिस पॉइंट एंड लाइन थ्रू दिस पॉइंट आर पैरलर, तो लाइन्स क्या होगी पैरलर होगी नहीं हमारे पास, ठीक है। बड़ा आसान सवाल है शुरू में, है ना, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं लाइन वाले, थोड़ा सा प्लेन में आती है प्रॉब्लम, बाकी उसमें प्रॉब्लम कुछ नहीं आएगी आपको अगर आपने वीडियो अच्छे से देखी होगी सारी, ठीक है। तो आगे क्या है जी हमारे पास, ध्यान से देखिए, एक एक सम करवाऊंगा मैं आपको, टेंशन ना लो, ठीक है। फोर्थ सम, लेकिन उसके बाद प्रैक्टिस आपने करनी है। फोर्थ देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट, फोर्थ सम है विच पासिस थ्रू द पॉइंट वन कॉमा टू कॉमा थ्री, पासिस थ्रू पॉइंट दिस एंड इज पैरल टू द वैक्टर, पैरल टू द वैक्टर थ्री आई प्लस टू जे कैप माइनस टू के कैप, ठीक है। अब बिल्कुल सिंपल देखो, पैरल फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट दिस, इस पॉइंट से पास करते हैं पैरल टू दिस वैक्टर, जब मैंने डेरिवेशन किया था ना ऐसे यहां पे कि एक लाइन है ये पॉइंट से पास हो रही है और इस वेक्टर के क्या है पैरल है, ठीक है, और इस लाइन की मान लो एल इज अ लाइन, ठीक है, इस लाइन की क्या निकालनी है इक्वेशन निकालनी है, तो हमने वेक्टर फॉर्म इसकी क्या पढ़ी थी, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी, आर इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा, सॉरी आर इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी, ए क्या था पोजिशन वैक्टर, ये था ना पोजिशन वैक्टर इसका ए, ये ए था, तो इसके पोजिशन वैक्टर क्या होंगे, यही होंगे वन, ये क्या क्या होगा इसके पोजिशन वैक्टर, सीधा लिख रहा हूं मैं, आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप प्लस लेमडा, कोई भी कॉन्स्टेंट हो सकता है, बी वेक्टर पैरेलल वेक्टर, तो ये है, ये क्या हो गया बी वेक्टर हो गया, तो यहां पे क्या लिख दिया थ्री आई कैप प्लस टू जे कैप माइनस टू के कैप, ये तो कौन सी फॉर्म होगी इसकी, वेक्टर फॉर्म होगी इसकी, क्या होगी वेक्टर फॉर्म, अगर मान लो मैंने इसकी क्या लिखनी थी कार्टेशियन फॉर्म लिखनी है, क्या लिखनी है कार्टेशियन फॉर्म, तो कैसे लिखोगे, मैंने आपको डायरेक्ट बोला था क्या लिखोगे, फॉर्म क्या होती है एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी, ठीक है। अब यहां से कैसे लिख सकते हो, ए बी सी क्या है, ये है इसके डायरेक्शन रेशियो, दिस इज ए दिस इज बी दिस इज सी, और ये क्या है एक्स वन वाई वन जेड वन, वैसे भी आप याद रखो ना जब कोई पॉइंट होता है तो उस पॉइंट के हम क्या लेंगे कोऑर्डिनेट्स एक्स वन वाई वन जेड वन लेते हैं, तो वैसे हम ये लेंगे, तो अब यहाँ पे क्या होगा एक्स माइनस एक्स वन, एक्स वन कितना है वन अपॉन ए, ए कितना है थ्री, सिर्फ दूसरी बात ये है सीधी है ना, अगर इसको चेंज करना है तो आपने ये याद रखना है ये एक्स वन है ये वाई वन है ये क्या है जेड वन है, ठीक है, तो आपने यहां पर पुट कर देना, देखो एक्स माइनस एक्स वन वाई माइनस टू ठीक है इज इक्वल टू जेड माइनस थ्री अपॉन में क्या है ये थ्री ए ये टू यहां पे आ जाएगा ये माइनस टू यहां पे आ जाएगा, ठीक है ये आ जाएगा, तो अगर यहां से देखने तो एक्स वन वाई वन जेड वन है और ये क्या है ए बी सी, ठीक है, तो नीचे ए बी सी आ जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारी कार्टेशियन फॉर्म एंड वेक्टर फॉर्म, तो मैंने दोनों लिख दिया, आंसर चेक कर रहे ना आंसर में कौन सी लिखी है, चेक कर लेता हूं एक बार, आंसर में बड़ा एक ही लिखी होगी, नहीं दोनों एक ही लिख रखी है ना, ये वेक्टर फॉर्म लिख रखी है, ठीक है, ये वाली फॉर्म है, आप ये भी लिख सकते हो ये कार्टेशियन फॉर्म है ना, अगर वहां पे नहीं लिखा तो, ठीक है, अगर नहीं लिखा कि कौन सी लिखा तो आप दोनों भी लिख सकते हो, ठीक है, तो ये था हमारा, ठीक है, ये समझ आ गई आपने क्या लिखनी है एक्स माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन जेड माइनस जेड वन, ठीक है क्लियर। तो आगे देखो फिफ्थ सम, फिफ्थ सम देखो जरा, फिफ्थ में ना ये मैं मिटा नहीं रहा हूं, यहीं से फिगर की शायद जरूरत पड़ जाए, तब ये देखो अब क्या है इसमें, फिफ्थ में थोड़ा सा कंसेप्ट समझना है, उसने ये बोला था फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन द वेक्टर एंड इन कार्टेशियन फॉर्म दैट पासिस थ्रू द पॉइंट विद द पोजिशन वेक्टर, अब यहां पे पोजिशन वेक्टर दे दिए उसके पॉइंट के टू आई कैप
माइनस जे कैप प्लस फोर के कैप, ये पोजीशन वेक्टर दे दिए किसके, इस पॉइंट के, इस पॉइंट के क्या दे दिए पोजीशन वेक्टर। लेट अस सपोज दिस इज वेक्टर ए, ए वेक्टर भी कम लेते थे वहां पे, ये देखो ए वेक्टर लिया था ना मैंने पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट पासिंग थ्रू द पॉइंट पॉइंट विद द पोजीशन वेक्टर दिस एंड इज इन द डायरेक्शन ऑफ एंड इज इन द डायरेक्शन ऑफ इज इन द डायरेक्शन ऑफ आई कैप प्लस टू जे कैप माइनस के कैप है ना। अब ये देखिए इन द डायरेक्शन ऑफ दिस है ना, अब यहां पे ना थोड़ा सा घुमा दिया उसने क्वेश्चन को, कैसे घुमा दिया उसने ये नहीं कहा, उसने कह दिया इन द डायरेक्शन ऑफ दिस, इन द डायरेक्शन ऑफ दिस, इसका मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ दिस एक लाइन है जो इस पॉइंट से पास कर रही है और इन द डायरेक्शन ऑफ दिस है, तो इसका मतलब इसकी डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है इधर, तो ये वेक्टर इसके क्या होगा पैरेलल होगा, ये लाइन इसके क्या होगी पैरेलल, सेम डायरेक्शन में है ये, तो हम इसको क्या ले लेंगे ये वाली लाइन जो है इस लाइन के क्या है पैरेलल है, तो ये इसका क्या होगा पैरेलल वेक्टर ले लिया हमने, इस बात को समझो। उसने ये कहा था कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन द वेक्टर एंड इन द कार्टेशियन फॉर्म दैट पासिस थ्रू द पॉइंट विद द पोजिशन वेक्टर दिस एंड इज इन द डायरेक्शन ऑफ दिस, इसके डायरेक्शन में है, इसमें इसकी डायरेक्शन में है, तो इसकी डायरेक्शन में मतलब ये हमने इसके वेक्टर के इस लाइन के क्या ले लिया पैरेलल ले लिया, अरे सेम डायरेक्शन है तो क्या होंगे वो पैरेलल होंगे ना, तो इसके क्या ले लिया मैंने पैरेलल ले लिया, तो अब ये क्या वेक्टर बन गया बी वेक्टर बन गया, दिस वेक्टर इज व्हाट बी वेक्टर, ठीक है। तो अब इसका क्या होता है कार्टेशियन फॉर्म तो हमें पता ही है, आर इज इक्वल टू क्या होती है ए प्लस लैम्डा बी, दिस इज अ कार्टेशियन वेक्टर इक्वेशन, सो आर इज इक्वल टू ए, ए तो यही आ जाएगा एज इट इज टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस फोर के कैप प्लस लैम्डा, यहां पे क्या आ जाएगा आई कैप प्लस टू जे कैप माइनस के कैप, ये आ गया। अब ये कौन सी फॉर्म आ गई वेक्टर फॉर्म आ गई। अब कार्टेशियन फॉर्म लिखनी है तो कैसे, मैं तो डायरेक्ट लिख दूंगा, अगर आपने पूरी बना के लिखनी है तो आर वेक्टर की जगह पे क्या लिखोगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, जैसे वैल्यूएशन करते हैं बिल्कुल वैसे है ना, अगर एक दो नंबर का अगर चार नंबर का तो आप ऐसे कर दो, नहीं तो सीधा डायरेक्ट लिख दो क्या एक्स माइनस एक्स वन, एक्स वन कितना होगा टू, यहां से भी लिख सकता हूं मैं, देखो ये एक्स माइनस एक्स वन वाई माइनस वन, अच्छा इस बात का ध्यान रखना यहां पे वाई वन यहां पे क्या है माइनस वन है, तो यहां पे क्या हो जाएगा प्लस वन हो जाएगा, ठीक है देखो ध्यान से एक्स माइनस एक्स वन, एक्स वन कितना है टू, वाई वन कितना है माइनस वन, तो प्लस वन हो गया इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन फोर, अपॉन में क्या आ जाएगा ए बी सी, ए कितना है वन बी कितना है टू सी कितना है माइनस वन, ये इक्वेशन आ गई ना, ये कौन सी आ गई इसकी, ये आ गई जिसकी अपना कार्टेशियन इक्वेशन आ गई इसकी, ठीक है दिस इज व्हाट कार्टेशियन इक्वेशन, ठीक है। अब देखते हैं नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे सिक्स्थ, सिक्स्थ देखो जरा ये दोनों फॉर्म आ गई ना, ये वेक्टर आ गई ये कार्टेशियन इक्वेशन आ गई, नाउ सिक्स्थ देखो जरा बहुत आसान है ये, कई बच्चों ने मेरे ख्याल से करके मुझे भेज भी दिया, सिमरन लड़की है ना उसने करके भेज दिया था ये सवाल, ठीक है आप भी सारे ध्यान से देखो, ये फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन, फाइंड द कार्टेशियन सिक्स्थ सम है, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट, सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है विच पासिस थ्रू द पॉइंट माइनस टू फोर एंड माइनस फाइव एंड पैरेलल टू द गिवन वेक्टर गिवन बाय एक्स प्लस थ्री इज इक्वल अपॉन थ्री वाई माइनस फोर अपॉन फाइव इज इक्वल टू जेड प्लस एट बाय सिक्स, देखो ध्यान से अब उसने क्या कहा फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट दिस एंड पैरल टू द लाइन गिवन बाय दिस, देखो ध्यान से देखो अब एक कोई लाइन थी जो पासिंग कर दिया इस पॉइंट से, यहां पे मान लो यहां पे ये लाइन है पासिंग थ्रू पॉइंट दिस, ये पॉइंट है मान लो यहां पे कहीं भी होगा ना कहीं भी ये पॉइंट है मान लो ये, और ये लाइन क्या है पैरेलल टू द लाइन दिस, इस लाइन के क्या है पैरेलल है। अब इस लाइन की डायरेक्शन रेशियोज क्या होगी, देखो हम पढ़ते हैं ना इसकी इक्वेशन, ये इक्वेशन एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी, ठीक है
तो हम उसकी डायरेक्शन रेशियो क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं डायरेक्शन रेशियो, ये क्या होती है उसकी डायरेक्शन रेशियो, किसकी, इस लाइन की डायरेक्शन रेशियो है ना। जब ये लाइन और ये लाइन क्या है पैरेलल, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके क्या है पैरेलल, जब ये याद रखना जब एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल था हम उन दोनों के डायरेक्शन रेशियो सेम ले सकते हैं, वी कैन टेक देयर डायरेक्शन रेशियो सेम, ठीक है, उनके डायरेक्शन रेशियो क्या ले सकते हैं, सेम ले सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर इसके डायरेक्शन रेशियो ये है 3, 5 और 6 तो इसके डायरेक्शन रेशियोज भी, इसके डायरेक्शन रेशियोज भी क्या होंगे, यही होंगे 3, 5 और 6, ठीक है। तो फिर क्या इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशन कौन सी निकालनी थी, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है, क्या निकालनी है कार्टेशियन इक्वेशन। तो आप बिल्कुल ऐसे लिखोगे x-x1 / a इज इक्वल टू y-y1 / b इज इक्वल टू z-z1 / c। अब देखो x-x1 ये -2 था +2 हो गया, इज इक्वल टू y-y1 / 4 इज इक्वल टू z + 5 अपॉन में क्या कर दोगे, जो डायरेक्शन रेशियो इसके हैं, ठीक है, क्योंकि ये दोनों लाइन, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, ये लाइन इस लाइन के क्या है पैरेलल है, तो दोनों के डायरेक्शन रेशियोज हम सेम ले सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 3, 5 और 6। एक और बात बता दूं मैं आपको, क्योंकि जब दो लाइन पैरेलल होती है तो a1 / a2 इज इक्वल टू b1 / b2 इज इक्वल टू c1 / क्या होता है, c2 होता है। अब लेट अस सपोज दिस इज व्हाट लैम्डा, इसकी रेशियो किसी ना किसी के तो इक्वल होगी, मान लो ये लैम्डा के इक्वल है ना, तो अब हमें पता है कि इनकी डायरेक्शन रेशियो क्या है, सेम है, ठीक है। अब अगर एक के डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं, देखो मान लो मैंने इसके 3, 5, 6 ऊपर वाले के ले लिए, ये 3, ये 5, ये 6, ये क्या ले लिए 3, ये 5, ये 6 है ना, ये ले लिए। अब देखो ये क्या होगा 3/a2 इज इक्वल टू क्या होगा, लेमडा होगा, 3/a2 इज इक्वल टू क्या होगा, लेमडा होगा। तो अब यहां से लेमडा की अगर मैंने a2 निकालना है तो ये क्या आएगा, देखो 3 = a2 λ। चलो अब इस बात को भी छोड़ो, इसको रहने दो, कोई बात नहीं, ये कंसेप्ट बाद में क्लियर कर दूंगा और भी है ना, तो आपने ये समझ लेना है वैसे यही है और कुछ नहीं है, ठीक है। आपने क्या समझ लिया, अगर दो लाइन में पैरेलल है, अगर जो इसके डायरेक्शन रेशियोज है वही डायरेक्शन रेशियोज आप इसके लोगे, ठीक है। तो ये था हमारा सम नंबर 6 था। नाउ 7 सम, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन इज दिस, राइट इट्स वेक्टर फॉर्म, तो ये आपको आसानी से कर लोगे यार, x-5/3 इज इक्वल टू y+4/7 इज इक्वल टू z-6/2, राइट इट्स वेक्टर फॉर्म, अरे वेक्टर फॉर्म आपको पता है यार, तो क्या लिख दोगे, r इज इक्वल टू क्या होता है a+λb, ठीक है। अब इसमें a ये हो गया 5, 4 और -6, पॉइंट किस पॉइंट से पास हो रही है, -4, 4 और -6 से है ना, ये पॉइंट है। तब r इज इक्वल टू आपने ध्यान से रखना है ये एक बात, अगर ये वाली दे रखी है ना, तो x1 कितना है, अब ये याद रखो x1 कितना है 5, साइन चेंज करके लेना आपने, x1 y1 कितना है -4 और z1 कितना है 6, साइन चेंज करने अपने, तो अब यहां पे क्या हो जाएगा, ए वेक्टर क्या हो गया 5i-4 j+6k, ठीक है, साइन चेंज करके लेने अपने, याद रखना बस, ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूले में क्या था x-x1 है, x-x1, तो x1 यहां पे 5 था, ये तो फॉर्मूले में था, ठीक है, -5 नहीं लेना, ठीक है। अब यहाँ पे -4 रहा होगा तो -+ हो गया था ना, तो आपने इसके साइन क्या लेने हैं, चेंज लेने हैं, +λb, सॉरी λb, बी कितना है अब यहां पे, ये 3i+7j+2k, ये इक्वेशन होगी इसकी कार्टेशियन इक्वेशन, दिस इज इट्स कार्टेशियन इक्वेशन, है ना, आंसर जरूर चेक कर लेना है। 7th ना, मैं आंसर चेक कर लेता हूँ, 5-4+6 3, 7, ओके ठीक है बिल्कुल। अब देखते हैं नेक्स्ट 8th सम, देखिए 8th सम, 8th देखो जरा, 8th, फाइंड द वेक्टर एंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइंस, फाइंड द वेक्टर एंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइंस दैट पासिंग थ्रू द पॉइंट ओरिजिन
दैट पासिस टू ओरिजिन, ओरिजिन मतलब 0 0, एंड कौन सा पॉइंट है 5, -2 and 3। अब मैंने जैसे आपको कहा था, आप एक इक्वेशन याद रख लो, चाहे कार्टिजियन रख लो चाहे वेक्टर कर लो। अब मान लो मुझे वेक्टर कार्टिजियन इक्वेशन आती है ना, विच पासिस थ्रू द टू पॉइंट, उसका क्या होता है, ये देखो एक x1 y1 z1, ये क्या है x2 y2 z2, है ना, ये होता है। तो अब इसकी इक्वेशन क्या होती है, x-x1 upon x2-x1 = y-y1 upon y2-y1 z-z1 upon z2-z1। ये इक्वेशन होती है इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच पासिस थ्रू द टू पॉइंट्स। तो ये दो पॉइंट्स थे, उनसे पास करते तो ये इक्वेशन आ गई। अब x-x1 कितना है 0 0 अपॉन x2 5, नीचे 5 भी आ जाएगा, 5-0 = y-y1 0 अपॉन y2 कितना है -2, फिर -0 = z-z1 0 अपॉन z2 3-0। तो ये क्या आ गई, x/5 = y/-2 = z/3, ये इक्वेशन आ गई, इसकी कार्टिजियन इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब यहां पे क्या लिखोगे, वेक्टर इक्वेशन, यहां पे क्या है इसके x- यहां पे क्या है 0 0 0, तो पॉइंट्स क्या हो गए 0 0 से, तो पॉइंट क्या हो गया 0 0 0। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन क्या होती है, r = a+λb। अब ये a तो क्या बन जाएगा 0 0, क्योंकि एक पॉइंट से पास कर रही है ना 0 0 से, तो वैसे भी जनरल देखे तो 0 0 से पास कर रही है। तो अब यहां पे क्या हो गया, a क्या हो गया इसके 0 0, तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो क्या आ जाएगा, ये r = a लिखने की जरूरत नहीं है, +λb क्या आ जाएगा, ये वेक्टर्स आ जाएंगे 5i-2j, ये एबीसी है ना, ये पैरेलल वेक्टर होगा, जिसके पैरेलल आता है उसके डायरेक्शन रेशियोज होते हैं ये। ठीक है, तो आपने चेंज करना है ना यार, ये x1 y1 z1 आएगा, वो यहाँ पे a वेक्टर में लिखोगे वो 0 हो गया, और +λb ये डायरेक्शन रेशियोज होते हैं किसके, अरे भैया यहाँ पे अगर आप लिखोगे ना कोई लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है, तो यहाँ पे एक b वेक्टर होता है, इसके डायरेक्शन रेशियोज होते हैं ये a b and c। ठीक है, तो वो यहाँ पे आ जाता है a+λb - 2i j+3k। तो ये थे हमारे आज के 8 क्वेश्चंस, मेरे ख्याल से आपको ये समझ आए होंगे, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, होप आपको ये समझ आएगा ना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।